हेलो दोस्तों, अगर आप भी बिना किसी यूपीआई ऐप जैसे फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम के बिना सिर्फ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की एप्लीकेशन से ही किसी भी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन से ही किसी भी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना सिखाऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको अपने फ़ोन में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको यहां पर एम पिन डालकर इसमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहां पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सेंड मनी का, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको यहां पर पैसे भेजने का तीन ऑप्शन मिलेंगे, जैसे पहला है कॉन्टेक्ट और दूसरा है भीम यूपीआई आईडी और तीसरा है अकाउंट प्लस आईपीसी। दोस्तों सबसे पहले नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे नंबर पर ही पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, और दूसरे नंबर पर क्लिक करेंगे तो आप यूपीआई आईडी डालकर पैसा ट्रांसफर करना होगा। अगर आप तीसरे नंबर पर क्लिक करते हैं तो आपको वहां पर अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा और उस बैंक का आईपीसी कोड डालना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको अकाउंट नंबर और आईपीसी कोड के द्वारा ही पैसे ट्रांसफर करके दिखाता हूं। तो दोस्तों मैं तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। दोस्तों आपको सबसे ऊपर जिस भी व्यक्ति के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना, दोस्तों नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पर सेकेंड नंबर पर उस बैंक अकाउंट का यहाँ पर अकाउंट नंबर डालेंगे। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर लिखा है री इंटर अकाउंट नंबर, तो दोस्तों आपने जो ऊपर अकाउंट नंबर डाला है फिर से आपको यहाँ पर दोबारा उस अकाउंट नंबर को यहाँ पर डाल देना है। अकाउंट नंबर को री इंटर करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर बैंक का आईपीसी कोड डाल देना है, तो आपका पासबुक जो होगा उस पर भी आईपीसी कोड आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर, चलिए मैं अपना आईपीसी कोड मुझे याद है तो मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। दोस्तों आईपीसी कोड डालने के बाद आपको यहाँ पर नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, तो दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको जितना भी पैसा भेजना है आप अमाउंट वाला ऑप्शन पर डाल दीजिएगा। तो दोस्तों जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कन्फर्म का ऑप्शन मिलेगा, तो दोस्तों आप कन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका जो बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा, तो दोस्तों आप उस ओटीपी को आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों ओटीपी डालने के बाद आप सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा पैसा किसी दूसरे बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो गया है। तो इस प्रकार आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मोबाइल एप्लीकेशन से आप किसी भी बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं।